बच्चों ने ये लिखा था, मुख्यमंत्री के नाम एक संदेश लिखा था कि पहले शिक्षक स्कूलों में पढ़ाए तब तो इस तरह की कड़ाई की जाए, क्योंकि तो शिक्षकों के लिए उन्होंने संदेश दिया बच्चों ने। दूसरा ये है कि बच्चों ने ये भी लिखा कि डर के मारे बच्चे कैमरा की डर के मारे वो ऐसे नहीं लगा पाए, किसी बच्चों ने छिप कर अगर लगा भी दिए तो वो आपके सामने जो दिखाया गया है कि अभी 200 का 200 रुपए निकले हैं वो इसी प्रश्न पत्र में इसी कॉपी में थे। 200 रुपए लगाने की मंशा क्या रही है बच्चे की? हमेशा यही मंशा रहती है, कुछ शिक्षक हमें कोऑपरेट करेंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कई साथियों के नोट निकले हुए हैं, मेरे 100 रुपए निकले हैं, रोहन सिंह जी के 50 निकले, और भी कई निकलते रहे हैं। इससे अंदेशा लगता है कि बच्चों ने पढ़ा लिखा तो नहीं है, लेकिन पैसे रखे वो लालच देना चाहते हैं कि शायद टीचर उन्हें पास कर दे। क्या आप लालच में आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं आ रहे, कोई नहीं आ रहा। अगर सही लिखा है, सही उत्तर है तो मुझको नहीं दे रहे, भले 100 नोट निकले चाहे 500 रुपए निकले, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अचानक से फेल करने वाले छात्रों की संख्या भी यहाँ पे बढ़ने लगी है। ऐसी कॉपियां जो है लगातार जो है छात्र फेल किए जा रहे हैं, और इसमें किसकी गलती है, छात्र या कॉपी जांच करने वाले टीचर की? कॉपी जांच करने वाले टीचर ने आखिर क्या कहा, कैसी कॉपियां जो है वो फेल की जा रही है? बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट की कॉपियां सामने आ रही है जो लगातार फेल की जा रही है। पूरी वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। आपकी परीक्षा कॉपी जांच में बहुत सारे छात्र फेल भी हो रहे हैं और बहुत सारे छात्रों को अच्छे मार्क्स भी मिल रहे हैं। आइए जानते हैं कैसी कॉपियां यहां पे फेल की जा रही है और कैसे कॉपियों पर मार्क्स जो है ग्रेस मार्क्स मिल रहा है। जैसा कि ग्रेस मार्क्स का प्रावधान था, ग्रेस मार्क्स बोनस मार्क्स मिल रहा है, लेकिन बहुत सारी कॉपियां यहां पे फेल भी की जा रही है। आपने कैसी कॉपी लिखी थी, आपको कितने मार्क्स यहां पे मिल रहे हैं, कॉपी जांच में क्लियर हो गया अब तक की बहुत बड़ी अपडेट? फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि बिहार बोर्ड की एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। कॉपी जांच कर्ता ने यहां पे बताया कि हम लोग जो कॉपी जांच यहां पे करते हैं, कॉपी जांच ये स्टूडेंट की तरह की जाती है कि एक स्टूडेंट को समझते हुए किया जाता है। आखिर स्टूडेंट अपने मन में क्या सोचकर कॉपी लिखा है, ठीक है, उस भावना को समझा जाता है, उसी तरीके से नंबर जो है वो दिए जाते हैं। कोई भी स्टूडेंट ये नहीं चाहता है कि उसकी कॉपी खराब जाए, उसका एग्जाम खराब जाए, वो हर संभव प्रयास करता है कि वो अच्छे से प्रश्नों का आंसर दे सके। और यही कॉपी जांच में सबसे बड़ी बात यही देखी जाती है कि स्टूडेंट ने कितना प्रयास किया है, क्या वो प्रयास किया है, कितना वो सही लिखा है, इस बात का बहुत ही बारीकी से हम लोग देखते हैं। और हम लोग को ये देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि हम लोग का इतना अभ्यास हो गया है कि कॉपी देख कर ही पता चल जाता है कि स्टूडेंट का क्या प्रयास रहा है, क्या स्टूडेंट ने अपना 100% दिया है या ऐसे ही टाइम पास किया है, लिखी गई है क्या स्टूडेंट पढ़ा लिखा है या ऐसे ही वो आंसर किया है, वो पहली दृश्य में ही पता चल जाता है कॉपी को देखकर। ऐसा कॉपी जांचकर्ता ने यहां पे खुद बताया है। उन्होंने ये भी यहाँ पे क्लियर किया कि जब हम लोग मार्क्स बैठाते हैं तो थोड़ी भी मार्क्स देने में कंजूसी नहीं करते हैं, क्योंकि छात्र जो है बहुत मेहनत से पढ़ता है, बहुत मेहनत से लिखता है, तो उसे जितना लिखा है उसे 100% मार्क्स दिया जाता है, कहीं पे भी कोई कटौती नहीं की जाती है। जब बिहार बोर्ड खुद क्लियर कर दिया है तो आखिर हम लोग मार्क्स क्यों काटे? पहले बिहार बोर्ड पाबंदी लगाता था तो मार्क्स जो है वो कम देते थे, लेकिन जब बिहार बोर्ड की तरफ से छूट है कि आप फुल मार्क्स दे सकते हैं, 5 में 5 दे सकते हैं, 2 में 2 दे सकते हैं, तो हम लोग यहां पे फ्री हो गए मार्क्स देने के लिए। अगर स्टूडेंट अच्छा लिखा है तो उसे मार्क्स जो है बिल्कुल अच्छे से दिए जा रहे हैं, ठीक है। और आपको बता दें कि जो यहां पे बताया गया है कि कैसे पता चल जाता है कि ये टॉपर का कॉपी है और किस कॉपी को फेल किया जा रहा है, कि वो कौन सी कॉपियां हैं जिसे आप फेल कर देते हैं, तो उन्हें भी बताया कि कैसी कॉपियों को फेल किया जा रहा है, कि जो छात्र की कॉपियां आती हैं तो हम लोग पूरा देखते हैं और उसके बाद जो है मार्क्स वहां पे बैठा जाते हैं, ये देखा जाता है क्या छात्र ने पूरी प्रश्नों के आंसर दिए हैं या कोई ऐसे क्वेश्चन है जो छात्र ने नहीं लिखा है। कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जो एक ही प्रश्नों को 3-4 बार लिख देते हैं, तो ऐसे में नंबर काटा नहीं जाता है, लेकिन अगर ये पता चल जाता है कि छात्र ने एक ही क्वेश्चन को 3-4 बार लिख दिया है तो एक ही मार्क्स, एक ही क्वेश्चन का मार्क्स जो है वो दिया जाता है और बाकी का मार्क्स नहीं दिया जाता है। उन्होंने ये कहा है कुछ कॉपियां ऐसी भी दिखी है कि छात्र ने एक ही क्वेश्चन को 3-4 जगह बना दिया है और वो छात्र की गलती
गलती से हो गया या जानबूझ के किया गया है इसका कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन अगर जांचकर्ता को पता चल जाता है कि अगर एक ही क्वेश्चन को बार बार बनाया गया है तो वो वहां पे मार्क्स जो है वो आपको उस क्वेश्चन के नहीं दिए जाते हैं। लेकिन अगर वो कॉपी जांचकर्ता की नजर में नहीं आता है, क्योंकि हम लोग की बहुत सारी कॉपियां जांच करनी होती है, ऐसे में अगर नजर नहीं आता है तो वो मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन टोटली के दौरान जो है वो कहीं ना कहीं पता चल जाता है। अगर मार्क्स टोटल से ज्यादा हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कॉपी जांच में कुछ इरर आई है। तो वैसी कॉपियों को एक बार ध्यान से देखा जाता है, लेकिन वैसी कॉपियों में पता नहीं चल पाता है, जो छात्र जो है आगे पीछे करके लिख देते हैं तो पता नहीं चल पाता है। हंसकर उन्होंने कहा कि ये छात्र की चालाकी कहें, लेकिन अगर उन्होंने लिखा है ऐसा तो उन्हें मार्क्स मिल जाता है। हालांकि मैंने भी अपने वीडियो में एक बार बताया था, अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो आप एक ही क्वेश्चन को दो बार लिख सकते हैं, लेकिन दो बार से ज्यादा नहीं लिखना है, लेकिन मार्क्स उसमें मिल रहा है, उन्होंने साफ साफ क्लियर किया। लेकिन बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कॉपी जो है लिखते ही नहीं है, यानी क्वेश्चन में कुछ और पूछा जा रहा है, आंसर कहीं और जा रहा है, तो ऐसे में मार्क्स उन्हें कैसे दिया जा सकता है। लेकिन फिर भी क्योंकि यहां पे नियम है बिहार बोर्ड का कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है तो आप जीरो मार्क्स नहीं दे सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग वहां पे भी मार्क्स दे देते हैं। अगर वो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर तो दे ही दिया जाता है। लेकिन कुछ छात्र जो है कुछ लिखते ही नहीं है, तो अगर वो कुछ लिखे ही नहीं है तो आखिर उन्हें नंबर कैसे दिया जा सकता है। तो मजबूरी में हम लोगों को टोटलिंग में आपका पासिंग नहीं कर पाते हैं, किसी का 14 नंबर किसी का 15 नंबर पे ही कॉपी जो है सिमट जाता है, और मैं चाहकर भी उन्हें पास नहीं कर पाता हूं क्योंकि उन्हें कुछ लिखा ही नहीं रहता है। जो लिखा रहता है उसमें 2-3 नंबर देने के बाद भी वो 15 से 16 नंबर पर सिमट जाता है, जो कि 30 नंबर नहीं पुर पाता है। ऐसे में वैसी कॉपियां फेल हो रही है की गई है। क्या स्टूडेंट पढ़ा लिखा है या ऐसे ही वो आंसर किया है वो पहली दृश्य में ही पता चल जाता है कॉपी को देखकर, ऐसा कॉपी जांचकर्ता ने यहाँ पे खुद बताया। उन्होंने ये भी यहाँ पे क्लियर किया कि जब हम लोग मार्क्स बैठाते हैं तो थोड़ी भी मार्क्स देने में कंजूसी नहीं करते हैं, क्योंकि छात्र जो है बहुत मेहनत से पढ़ता है, बहुत मेहनत से लिखता है, तो उसे जितना लिखा है उसे 100% मार्क्स दिया जाता है, कहीं पे भी कोई कटौती नहीं की जाती है। जब बिहार बोर्ड खुद क्लियर कर दिया है तो आखिर हम लोग मार्क्स क्यों काटे। पहले बिहार बोर्ड पाबंदी लगाता था तो मार्क्स जो है वो कम देते थे, लेकिन जब बिहार बोर्ड की तरफ से छूट है कि आप फुल मार्क्स दे सकते हैं, 5 में 5 दे सकते हैं, 2 में 2 दे सकते हैं, तो हम लोग यहां पे फ्री हो गए मार्क्स देने के लिए। अगर स्टूडेंट अच्छा लिखा है तो उसे मार्क्स जो है बिल्कुल अच्छे से दिए जा रहे हैं, ठीक है। और आपको बता दें कि जो यहां पे बताया गया है कि कैसे पता चल जाता है कि ये टॉपर का कॉपी है और किस कॉपी को फेल किया जा रहा है, कि वो कौन सी कॉपियां हैं जिसे आप फेल कर देते हैं, तो उन्हें भी बताया कि कैसी कॉपियों को फेल किया जा रहा है, कि जो छात्र की कॉपियां आती हैं तो हम लोग पूरा देखते हैं और उसके बाद जो है मार्क्स वहां पे बैठा जाते हैं। लेकिन कुछ छात्र जो है कुछ लिखते ही नहीं है, तो अगर वो कुछ लिखे ही नहीं है तो आखिर उन्हें नंबर कैसे दिया जा सकता है। तो मजबूरी में हम लोगों को टोटलिंग में आपका पासिंग नहीं कर पाते हैं, किसी का 14 नंबर किसी का 15 नंबर पे ही कॉपी जो है सिमट जाता है, और मैं चाहकर भी उन्हें पास नहीं कर पाता हूं क्योंकि उन्हें कुछ लिखा ही नहीं रहता है। जो लिखा रहता है उसमें 2-3 नंबर देने के बाद भी वो 15 से 16 नंबर पर सिमट जाता है, जो कि 30 नंबर नहीं पुर पाता है। ऐसे में वैसी कॉपियां फेल हो रही है। आपका रिजल्ट जो है बहुत जल्द बिहार बोर्ड परीक्षा समिति यहां पे जारी करने जा रही है। अमूमन यहां पे मार्च के 2 सप्ताह तक रिजल्ट भी है जारी कर सकती है। जो भी अपडेट आएगा इस चैनल पे मिलती रहेगी, तो फटाफट टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन करिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।